हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और खुश रहा करो यार। ज़िंदगी से कुछ लेके नहीं जाना। अभी अभी बड़े पापा का कॉल आया था, पूरा मूड बन चुका है अभी गाड़ी लेने का। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं एजेंसी और देखते हैं कि हालांकि वो बोले हैं कि जो तुमको अच्छा लगे वो देख लो, अभी तो लेना तो है, मूड बन चुका है। तो अभी चलते हैं एजेंसी पे, देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है। इसे मेरा है कि नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन जो है उसको, लेकिन मेरे भाई साहब हैं इधर। हेलो गाइस, तो आपका क्या प्लानिंग है आप बताइए। देखिए, प्लानिंग ये है जो पापा का कॉल आया हुआ था तो बोले हैं जो गाड़ी लेना है, थोड़ा देख लो अपने हिसाब से। अच्छा, तो इनका कहना है जो नेक्सॉन लेना है, मेरा कहना है जो हुंडई का जो आता है, कौन सा वेनू, उसका फीचर्स हमको ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब जाके वहीं समझना है, देखना नहीं है। नहीं भाई, तू अभी भी मान ले जहाँ तक में है कि नेक्सॉन मतलब नहीं, बेटर हमको है। तो ज़्यादा बेटर मतलब ठीक है, चलते हैं एजेंसी चलते हैं, फिर देखते हैं, निकालते हैं अब अपना वाला गाड़ी, अब चलते हैं फिर देखते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ा, मिलते हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोग अभी फाइनली घर से गाड़ी निकाल चुके हैं और बहुत ज़्यादा जाम भी मिला है। अब फाइनली अब निकलते हैं हम लोग एजेंसी के लिए। बने रहिए, दिखाएंगे अच्छे से क्या है नहीं है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एजेंसी के पास में। वो रहा एजेंसी, दिखाओ एजेंसी। वो रहा हम लोग का टाटा का एजेंसी, अब जस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं ये टाटा का शोरूम। तो बुलाते हैं गाइस। हम लोग फाइनली अब एजेंसी में पहुंच चुके हैं। अब देखिए, पीछे से बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ। चलते हैं अभी एजेंसी में। गाइस, अभी हम लोग फाइनल अभी जो एजेंसी में हैं, यहाँ पे हमको मिले हैं नवीन सर सीए, जिससे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो आपको ये हर फीचर के बारे में बताएंगे क्या है नहीं है। तो सबसे पहले तो सर, आप मेरे फैमिली से मिल लीजिए सर। हेलो, थोड़ा सा फैमिली से मिल लीजिए। जी सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। और अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9264458228। हाँ, तो ये मोतिहारी के जो हाईवे है NH, कौन सा एनएच है? जमला रोड के बगल में, जस्ट बगल में ही है टाटा ये शोरूम। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ से मिल सकते हैं। ये नवीन सर हैं, अच्छा एडवाइज़र हैं, अच्छा एडवाइजिंग कर रहे हैं। तो इनसे मिले हैं, इनसे मिलकर हमको खुशी भी हुई है। कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन में है अभी, और इनको समझ में नहीं क्यों चाहिए लेके दूसरा ले। तो एक बार आप ऐसा कीजिएगा, मेरे फैमिली वाले जो मेरा फैमिली का हिस्सा बने हैं, आप एक ऐसा कीजिएगा कि आप लोग अपना राय कमेंट में रखिएगा कि कौन बढ़िया है, थोड़ा सा इनको कन्वेंस ज़्यादा मिलेगा, समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छा से। अब हम तो कन्वेंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है बेटर है, बहुत बेहतर गाड़ी है, अपडेटेड वर्जन है, बढ़िया है। तो गाइस, अभी भैया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि XUV 700 वाला जो मॉडल है वो भी इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो
बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। अच्छा एक काम करते हैं ना, अपनी फैमिली है ना, फैमिली से पूछ लेते हैं आप, अगर आपको इसका भी सेगमेंट अच्छा है लेकिन आप कमेंट में बताइएगा, जच नहीं रहा है। एक काम करते हैं ना, फैमिली है उनसे पूछ लेते हैं, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा गाड़ी लिया जाए अपने भाई के लिए, जो भी भाई फ्रेंड जो भी मानते हैं, अपने फैमिली का मेंबर जो भी मानते हैं उसके लिए जो कहिएगा वही लेंगे, कमेंट में जो ज़्यादा कमेंट आ गया वही लेंगे। फैमिली पे भरोसा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है जो बताए। तो फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि XUV 700 जो डबल ओ जो है वो काफ़ी बेहतर फीचर है, वो भी उसके बारे में मैंने देखा हुआ था, कुछ गूगल किया था तो अच्छा फीचर लगा। और अभी नेक्सॉन ZX+P जो है ये भी अच्छा लग रहा है फीचर इसका भी। अब दोनों में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। दोनों गाड़ी अच्छा है अपने अपने जगह पे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अभी, ये बताएगा जो मुझे कौन सा लेना है। देखो पहले था जो देखो हम जहाँ तक बोलेंगे ना, जहाँ तक उम्मीद है कि फैमिली भी वही बताएगी कि नेक्सॉन। थोड़ा सा आप बताओ जी, हाँ दोनों में से कौन सा गाड़ी बेस्ट रहेगा, नेक्सॉन या फिर XUV 700 वही लिया आएगा। तो गाइस अभी निकलते हैं हम घर के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइस फिर मिलते हैं घर।